ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मैं अपने प्यारे भाई बहनों को अपना बहुत ही प्यारा अनुभव बताना चाहती हूँ। इसलिए बताना चाहती हूँ कि बाबा पर निश्चय बुद्धि होने के क्या क्या फायदे होते हैं। हमारी मानसरोवर की भट्टी थी, वापसी के टाइम ट्रेन में बहुत अच्छे से सकुशलता से पहुंचने के बाद बाबा की याद में हम यात्रा कर रहे थे। सारी भट्टी इतनी अच्छी रही कि पूछो मत। वापसी के टाइम जैसे ही 11 बजे रात के मुझ आत्मा के शरीर में कुछ महसूसता होने लगी, जैसे पेट में दर्द होना शुरू हुआ। गाड़ी के कंपार्टमेंट में एसी भी पूरी तरह चल रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह से पसीने पसीने हो गई और पेट दर्द बढ़ता जा रहा था। इतना पसीना आ रहा था कि दुपट्टे से पहुंचने पर भी पूरा शरीर गीला हो गया, लेकिन मेरा एक भी संकल्प नहीं चला। मन सीधा बाबा के पास परम धाम पहुंच गया। मैं बाबा से यही कहती रही, बाबा कर्म भोग है, शुक्रिया बाबा कटवा रहे हो आप। पूरी भट्टी इतनी अच्छे से हुई बाबा, मजा आ गया। और वही बातें जैसे मैं बाबा से करती रही कि बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, अब जाकर ये हालत हुई है मेरी, पेट में दर्द, लूज मोशंस और क्या क्या हो रहा था, लेकिन मन विचलित नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने शरीर को साक्षी होकर देख रही हूँ। ये तो शरीर का कर्म भोग है, अच्छा है, जितना कट जाए बहुत अच्छा। कोई संकल्प क्यों क्या कैसे का चला ही नहीं, बस बाबा से बातें करती रही और कहती रही, बाबा आप नीचे आ जाओ मेरे पास। मैंने बाबा को निमंत्रण दिया, आह्वान किया कि बाबा आप मेरे पास आ जाओ, मैं अकेली हूं इस कंपार्टमेंट में, लेकिन आप आ जाओ मेरे सामने बैठ जाओ आके, और जब तक मेरी हालत ठीक ना हो मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, चाहे तो साथ ले जाओ, और अगर यहीं रखना है अभी इस दुनिया में तो बैठो मेरे सामने। बिल्कुल भी डर नहीं लगा, कितना बाबा ने ऊंचा पहुंचा दिया स्थिति को, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ऐसा संकल्प करते ही मेरे दो हल्के हल्के साए दिखाई दिए, लेकिन देखने से मुझे ये नहीं लगा कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन मन से एक आवाज आई कि एक दादी जानकी हैं और दूसरी दादी गुलजार है, और वो दोनों परछाइयां मेरे पास आकर सीट पर बैठ गई। मैं साक्षात महसूस कर रही हूं उन दोनों परछाइयों को, और उनकी आंखों से गोल गोल व्हाइट कलर की रोशनी निकली, राउंड राउंड सर्कल में वो रोशनी घूम रही थी, और वो दोनों की आंखों से निकलकर मुझ पर पड़ी। और जैसे ही वो रोशनी मुझ पर पड़ी मुझे हल्की सी राहत महसूस होने लगी, और मैं मन ही मन मुस्कुराती रही कि वाह दादी जानकी और गुलजार, आपको भेजा है क्या बाबा ने मेरा ध्यान रखने के लिए, थैंक यू बाबा, थैंक यू, इतनी महान आत्माओं को आपने मेरे लिए भेज दिया बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और जैसे ही वो लाइट मुझ पर पड़ी वो दोनों साए लोप हो गए, चले गए, और मुझे इतनी अच्छी अनुभूति हुई कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। और जैसे ही मैंने शुक्रिया किया बाबा का, तभी एक व्हाइट कलर की लाइट छोटा सा बिंदु टिमटिमाता हुआ जिस सीट पर मैं लेटी हुई थी उसके सामने की सीट पर आकर स्थित हो गया, चमकने लगा। और जैसे मुझे वो बिंदु से एक अनुभूति हुई, जैसे एक वाइब्रेशन आई कि ले बच्ची मैं तेरे पास आ गया, अब तू रिलैक्स हो जा, मैं बैठा हूं ना तेरे लिए। और इतना कहते ही जैसे बाबा ने कहा, और मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई, और मैंने बाबा को कहा, वाह बाबा आप तो मेरे बुलाते ही आ गए, आपने तो पहले दादी जानकी और गुलजार दादी को भेजा मेरे लिए, अब स्वयं भी आ गए, बाबा मैं तो आपकी बहुत विशेष बच्ची हूं ना, बोलो ना बाबा। बाबा जैसे मुस्कुराते रहे, वो बिंदु चमकता रहा, और मेरी तकलीफ धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गई, वो पसीना भी खत्म हो गया जो बे इंतहा मेरे शरीर में
बढ़ रहा था, मुझे गर्मी लग रही थी, लूज मोशंस हो रहे थे, मैं बार बार टॉयलेट भी जा रही थी, लेकिन अब सब कुछ जैसे शांत हो चुका था और मैं एकदम रिलैक्स होकर लेट गई बाबा की गोद में। सामने बाबा को देखती रही, मन ही मन बाबा से बातें करती रही, शुक्रिया करती रही और कहती रही, बस बाबा आप आ गए हो ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह मेरी यात्रा पूरी हुई, बड़े आराम से घर पहुंची। स्टेशन पर जिन्होंने भी मुझे देखा, उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि पूरी रात मेरी हालत इतनी खराब थी। मेरे मित्रों ने ही मुझे फोन पर कहा कि आप तो बिल्कुल सकुशल लग रही थी, आपने हमें फोन करना था, हमें बताना था। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मुझे हमेशा बाबा ही याद आता है जब भी कोई तकलीफ होती है। ये पहली बार नहीं हुआ, हर टाइम जब भी कभी कोई कठिनाई आई, मुझे कभी दो भुजाओं वालों का साथ ही याद नहीं आया। हमेशा से मैं परम धाम पहुंच जाती हूँ और बाबा से ही बातें करती हूँ, फिर बाबा अपने आप रास्ता दिखाता है और जो वो करता है वो ठीक ही करता है। उसी समय बाबा मुझे एकदम शांत कर देता है, अपनी गोद में ले लेता है। ये अनुभव मैं इसलिए आप सबको बताना चाहती थी कि बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर सब कुछ छोड़कर तो देखो, फिर देखो कितना प्यार लुटाता है। हम क्या करते हैं, बाबा को कह तो देते हैं लेकिन फिर शुरू हो जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। लेकिन मैं आत्मा बाबा की कृपा से, बाबा के प्यार से कभी भी बाबा में संशय बुद्धि नहीं होती, हमेशा मेरा बाबा मेरे साथ होता है। इतना प्यार देता है मेरा बाबा कि देहधारी तो याद ही नहीं आते, कभी भी मुझे कोई देहधारी तकलीफ में याद ही नहीं आया। याद आया तो मीठा बाबा, और देखो वो कैसे अपने बंदे भेजता है, अपने एंजल्स भेजता है, प्यार देता है, प्यार लुटाता है। मेरी सभी ब्राह्मण बच्चों से बस एक ही गुजारिश है कि निश्चय बुद्धि हो जाओ, संशय को कहीं दूर छोड़ दो और फिर देखो बाबा का कमाल। हर समय वो खड़ा है, बस उसे बुलाना आना चाहिए। हक से बुलाओ, अधिकार से बुलाओ, निश्चय बुद्धि होकर बुलाओ। दौड़ा चलाता है मेरा बाबा, ट्रेन में भी मेरा बाबा आ गया और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी हालत इतनी खराब है। मैंने सोचा ही नहीं, कोई दवाई भी नहीं ली मैंने उस टाइम, सब मेडिकेशन मैंने घर आकर की। उस समय बस बाबा आया और राहत मिल गई, हर तरह से राहत मिल गई मुझे। बाबा ने मुझे जैसे गोद में उठाकर मुझे मेरे लौकिक घर तक पहुंचा दिया। है ना कितना कमाल मेरे बाबा का, वो सबका बाबा है। बस प्यार से उसमें डूबते जाओ, बुलाओ उसको, निश्चय बुद्धि हो जाओ उसमें। एक वो ही तो है करण करावन हार तारन हार। यही कहना चाहती हूं मैं आप सभी ब्राह्मण बच्चों से, मेरा बाबा मंत्र बना दो, दिल से मन और बुद्धि यहां तक कि संस्कार में बसा लो। जब भी आत्मा अगला जन्म ले, बाबा के साथ गुनगुनाती मुस्कुराती धरा पर आए, बाबा नाम इस तरह से फीड कर लो अपने तन मन श्वासोश्वास में। वाह मीठे बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। अगर आपके भी कोई बहुत विशेष अनुभव हैं परमात्मा की मदद के, तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस अनुभव से बहुत प्रेरणा मिली है और बाबा के प्रति विश्वास और बढ़ गया है, तो कृपया इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ओम शांति।